नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं विश्व मोबाइल का अनुसंधान समिति परिसर का यूट्यूब चैनल। वीडियो बनाने का ये तात्पर्य है, अभी यहाँ पे जो आपकी जर्सी गाय देखिए और आप फीलिंग कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे अभी जो वातावरण है 34 डिग्री टेम्परेचर है, ये इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप एक बार सीधी तरफ देखिए, ये जो गाय है देसी गाय अभी ये छाया में खड़ी है, ये कभी इतना सा भी धूप को नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है, ये जो वातावरण की गाय है ये है डेनमार्क नहीं तो अमेरिका इंग्लैंड, वहाँ की जो ठंडी अंचल की वातावरण की गाय है, तो इसलिए ये धूप यहाँ पे झेल नहीं पा रहा है। तो मैं ये जानता हूँ इसके दूसरे पास बछड़ी पैदा हुई है। अभी ये गाभिन है तो मैं दूसरा साइड जाता हूँ। और वीडियो के माध्यम में मैं ये बताना जा रही हूँ, जो हमारी जो 1960 के बाद जो वेटनरी ने जो गलती किया था श्वेत विप्लव के नाम में, हमारी देश की गाय को नकारा और अच्छा गाय नहीं है होकर दिखाने के लिए दूसरी जो डेनमार्क इंग्लैंड और अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों से वहाँ की जो देसी संकर गाय था वो तो गाय नहीं है, इसीलिए बोला जाता है संकर गाय, मतलब वो रंगीन भैंस है। तो इनको वहाँ पे लेकर यहाँ पे हमारी देसी गाय को दूध बढ़ाने के चक्कर में उनको गाभिन किया गया। और जब पहले जब ये जो हमारी जो मिलिट्री का कैंटीन में जो देसी साहिवाल गाय थे उनको पहले गाभिन किया गया, तो और सात समुंदर की दूर से जो HF और जर्सी गाय का सीमेन लाकर हमारे देश की देसी गाय को नष्ट किया गया। इसी वजह से हमारी देश को अभी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे देश में जो नई नई तरह का रोग है, जो बीमारी है और जो खेत में आने वाली जो समस्या है वो जर्सी गाय की वजह से है। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये है, और ओडिशा जैसे राज्य में जो चार नस्ल है, छोटी छोटी नस्ल चाहे बिंजारपुरी हो था जो का जो घुमुसुरी हो, जैसे चार ब्रीड है, और मोटू और खरिया जैसे चार ब्रीड है, उनको जब यहाँ पे जो गौ पालन करते थे तो बहुत ज़्यादा गाय रखते थे, तो पहले पहले वो नंदी रखते थे, लेकिन ज़्यादा दूध बढ़ाने के चक्कर से उनको आइडिया नहीं था। तो वो क्या किए ना, अपनी गाय जब हीट आया तो अपनी वो जो गांव की जो नंदी थे उनसे संबंधन ना करके ज़्यादा दूध बढ़ाने के चक्कर से जो वेटनरी से जो सीमेन जो आया था विदेशों से उनको लगाकर गाभिन की। तो गाभिन करने के बाद क्या हुआ, जो हमारी जो बिंझरपुरी हो घुमसी चार बीड था, शायद वो 3-4 लीटर दूध देते थे, लेकिन उनको जो सीमेन वो लगाए वो सीमेन लगने से क्या हुआ ना, जो हमारी जो 3-4 दूध लीटर दूध देने वाली जो गाय थे वो विदेशी गाय से जब गर्भधारण करे और बच्चा दिया तो वो बच्चा क्रॉस ब्रीड में आया, ना वो हमारी देसी गाय था ना वो जर्सी था, लेकिन उनसे ज़्यादा के ज़्यादा जीन्स जो जर्सी गाय का था, तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गया, देसी से जर्सी कन्वर्ट हो गया। और जब कन्वर्ट हो गया तो चासी का भी मुनाफा हुआ, वो जो हमारी देसी गाय जो देता था 3-4 लीटर दूध वो तो अमृत था, लेकिन जो HF और जर्सी का सीमेन से जो बच्चा आया वो शायद ज़्यादा दूध देता था, लेकिन किसी को पता नहीं था ये दूध बहुत घातक है। जब न्यूजीलैंड के एक डॉक्टर ने तो इसी तरह हमारी देश का गौसंपद बर्बाद हुआ, हमारी राज्य का बर्बाद हुआ। तो इसका कारण ये है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं था, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी कृत्रिम गर्भधान जो हुआ था विदेशों में, तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गया। जब हमारे देश से साहिवाल था, गिर था, थारपारकर था, कांकरेज था, जैसे जब उमदा नस्ल का गाय था, तो हमको सीमेन विदेशों से लाने का क्या मतलब था,
ये श्वेत विप्लव के नाम में एक धोखा होता, क्योंकि जिस देश को बर्बाद करना है तो उसी देश का इतिहास मिटा दो। जब अंग्रेजों ने हमारे देश में सर्वे किए थे कि भारत क्यों इतना महान है, भारत क्यों सोने की चिड़िया है, तो उनको पता चला भारत की जो देसी गाय है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया और भारत ने बहुत अच्छा है। तो वो देश हमारी देश को बर्बाद करने के लिए हमारी गो संपद को पहले टारगेट किया। जब गो संपद ने बर्बाद हुआ, गो संपद ने बिगड़ गई, हमारी देसी नस्ल धीरे 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 ख़त्म हो गई, इसके बाद भी हमारी जो खेती बाड़ी वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गया, क्योंकि जो हमारी जैविक खेती था वो केवल देसी गाय की और गोबर से होता था, लेकिन जब जर्सी गाय का गोबर और लगी जो खेत में भी ज़्यादा कीड़े लगने शुरू हो गया, इसीलिए हमारी देश का खेती अभी बर्बाद हो गई। और अभी सुधरने का जब मौका आया तो ये मौका को हम हाथ से नहीं गंवाएंगे। और दूसरा बात है, और अभी जो देश की गाय जो बर्बाद की रास्ते में चली है, तो उनको फिर से लौटाने के लिए उनसे हम देसी नस्ल का सीमेन फिर से लगाएंगे। और जिस तरह हमारी देश को ये जर्सी गाय आई है और हमारी देसी गाय से ये गर्भधारण किया, कृत्रिम गर्भधारण करके ये गाय पैदा किया गया है जर्सी को, इसी तरह हमने और ये हमारी देसी गाय से जो जर्सी गाय पैदा है, इसी तरह हमने इस जर्सी गाय को और HF गाय को फिर से साहीवाल, थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा और गिर जैसे अच्छा बूल का सीमेंट लगाएंगे और इनसे फिर से धीरे 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 देसी गाय पैदा कर सकते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि जो पहली बात में जो जब इसको जर्सी गाय का जो ये जो जर्सी गाय है उसको जब देसी नस्ल का सीमेन लगा जाएगा तो इससे जो बच्चा आएगा उसका हम्प नहीं होगा और गलकम्बल भी अच्छा रहेगा लेकिन हम्प नहीं आएगा और वो धूप में उसका कोई परेशान नहीं होगा, करीब 40 डिग्री टेम्परेचर में उसका कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन इसको देखिए, ये थोड़ा अभी धूप में जो गोचर में घास खा रही है, चल रही है, जो गोचर में घूम रही है, लेकिन उसको धूप थोड़ा परेशानी कर रहा है। तो ये जब दूध देगा हमारी जो मनुष्य उसको दूध को खाएंगे, पान दूध को सेवन करेंगे, तो वही दूध में उसका जो ट्रेस है, उसका जो शरीर का जो डिफेक्ट है और जो ट्रेस है वही अपनी दूध में आएगा। और जो दूध पीने वाली आदमी जो मनुष्य वो दूध पान करेंगे तो उनको तो बीमारी होगा ही होगा। तो इस बीमारी से छुटकारा जो अभी जो नई जनरेशन जो बीमारी सब आई है उसको छुटकारा पाने के लिए देसी नस्ल गाय का दूध पीना चाहिए। और जो दूध तो देसी गाय है, और अभी जो A1 और A2 चल रहा है इसका एक नया नाम दिया गया है, वो A2 दूध। लेकिन A1 दूध तो कुछ नहीं, वो बात छोड़ो, हमेशा देसी गाय का दूध पीना चाहिए, वो A1 हो A2 हो। लेकिन जो वैज्ञानिक ने प्रूव किया है इसको, वो दूध को नेम दे दिए A2 दूध, लेकिन वो A2 दूध को आप बहुत अच्छा है, लेकिन देसी गाय नस्ल का दूध तो A2 है। तो A2 छोड़ो, हम देसी गाय का नस्ल A1 A2 का काम में यहाँ पे जो डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हमेशा देसी गाय का दूध पीना चाहिए। तो मेरा ये सुलझा है, आप मेरी जो अभी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी मोबाइल नंबर मिलेगी और आप वही नंबर से कॉल करके आपकी सीमेन ऑर्डर कर सकते हैं। और ये नंबर में मैं आपको जो दे सकता हूँ, साहीवाल दे सकता हूँ, गिर दे सकता हूँ, थारपारकर दे सकता हूँ और हरियाणा दे सकता हूँ। अभी 4 ब्रीड का देसी नस्ल का 4 ब्रीड का मेरे पास अवेलेबल है। और मेरा ये आपको बोलना चाहता हूँ, जो हमारी स्पेशल ओडिशा के भाई बहनों के लिए हमारे पास जो बिंझारपुरी और घुमसुरी और खरिया और मोटू, ये जो 4 ब्रीड उनके पास है, उनको कभी आप जो क्रॉस ब्रीड मत कीजिए, उनको हमेशा जिस ब्रीड से संबोधन करना अच्छा है उनसे कीजिए। तो मेरा बात यह है ये कि जो जिसके पास जो बिंझारपुरी है, तो बिंझारपुरी को आपने कभी मत जो बड़ी बूल का सीमेंट नहीं लगा सकते हैं, उनको हरियाणा लगा सकते हैं,
उनको थारपारकर लगा सकते हैं और उनको भी साहिवाल लगा सकते हैं, लेकिन गीर नहीं लगा सकते, क्योंकि गीर जो बुल है करीब बहुत बड़ा गीर बुल है, तो उसका जो, और ओडिशा के जो चार ब्रीड है उनको हम, वो जो छोट जैसे साहिवाल, गीर था साहिवाल, और हरियाणा और थारपारकर सीमेन लगा सकते हैं, लेकिन गिर कभी मत लगाए। लेकिन बात, सबसे बड़ी बात ये है, हमारी पास जो ओडिशा के चार ब्रीड है वो बहुत अच्छा ब्रीड है, और उनका जो नस्ल को बचाने के लिए हमसे वही जैसे वही नंदी से संवर्धन करना चाहिए। तो मेरा ये ओडिशा भाई बहनों को मेरे ये निवेदन है, आपको जो जर्सी गाय और जो क्रॉस ब्रीड जितना गाय है उनको गाभिन कर ले, साहिवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणा सीमेन लगा सकते हैं, और वो सीमेंट मेरे पास अवेलेबल है, और वो डिस्प्लेसन में मेरा नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन बात ये है कि हमारे पास जो ओडिशा के चार ब्रीड जो गाय है उनको हमेशा वही नंदी से संबोधन कीजिए। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आप जब इनब्रीडिंग नहीं करेंगे और क्रॉस ब्रीड भी नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, जो आपके पास जो बिंझारपुरी हो, जो थारपर, जो बिंझारपुरी और जो ओडिशा के चार ब्रीड है उनका भी दूध बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी ना, आपके पास जो गाय है, जो बिंझारपुरी गाय है, आप क्या करेंगे, दूसरी जगह से आपसे बहुत दूर से, जैसे शायद आपकी घर है पूरी, तो आप क्या करेंगे ना, खुर्दा शहर से हो, जो जहीं से जो किसान है जो गौ पालन करते उनके पास वो नंदी लाते, उनसे एक बछड़ा लाओ और उससे नंदी करो और आपका आपकी गाय को संवर्धन करो। ऐसे क्या होगा ना, जो नंदी से जो अच्छा गुण है वो आपकी गाय के जरिए से आपको बच्चे के, गाय का बच्चे के पास आ जाएगा। तो धीरे 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 ऐसे क्या होगा ना, आपके जो बिंझारपुरी गाय है उनका दूध देने का क्षमता बढ़ेगा। इसीलिए हमारी ऐसा काम जो अच्छा संवर्धन होना चाहिए था हमारी ओडिशा की गाय से नहीं हो पाया, इसीलिए हमारा गाय का दूध अभी कम है। और आपको मैं ये बात बताना जरूर, जो CCBF सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म जो सूरतगढ़ में थारपारकर का जो संवर्धन किया जा रहा है, वो जो लाइफ स्टॉक काम चल रहा है वहाँ पे जो बोला जाता था, वहाँ पे जो गाय पहले सिलेक्ट हुआ था 3 लीटर 3.5 लीटर 4 लीटर का गाय, तो अभी वही गाय से अच्छा अच्छा नंदी को सीमन लगा के अभी करीब 25 लीटर की गाय वहाँ पर अवेलेबल पैदा हो चुकी है। तो इसी तरह हमारी ओडिशा की गाय पे फोकस कीजिए, और जिनके पास जर्सी है और HF गाय है उनको फिर से आप जर्सी नस्ल, जर्सी गाय के सीमेन से गाभिन ना कर कर देसी गाय की सीमेन, जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर और हरियाणा नस्ल की अच्छा गाय सांडों की सीमेन लगाइए, और अपनी गाय से अच्छा अच्छा बछड़ा पैदा, बछड़ा और बछड़ी पैदा होगा। तो वही बछड़ी धीरे 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 आपकी जब आएगा, पहली बछड़ा बछड़ी आएगा तो वो करीब वो धूप से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो बछड़ी से जब दूसरी नस्ल आएगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे फिर से जर्सी से देसी नस्ल के तरफ ब्याज चलेगा। तो जब तक हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे घर में और हमारे गाँव में जब तक देसी गाय नहीं होगा, हमारे देश धीरे 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 बर्बाद होते चलेगा, और यहाँ की खेती, यहाँ के जो किसान जो खेती कर रहे हैं वो भी इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो सबकी मूल में देसी गाय की अच्छा गुण है। तो आपको मेरी ये वीडियो के माध्यम में ये निवेदन ही जी होता करना चाहता हूँ, आप शायद नहीं जानते थे जर्सी और HF गाय का क्या बुराई है, और आपको पता चल गई है जर्सी और देसी में क्या फ़र्क है, देसी गाय क्यों अच्छा है, जर्सी गाय क्यों अच्छा नहीं है। तो आपकी मेरा ये निवेदन है, आप कभी भी जर्सी गाय का सीमेन और HF गाय का सीमेन मत लगाइए। आप गाय को गाभिन ना करें कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी गलती से और आप गाय को HF और जर्सी सीमेन से गाभिन मत कीजिए, मेरा ये निवेदन है। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है इसका नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे से थारपारकर हो, साहिवाल हो और गिर, हरियाणा,
जैसे नंदी का सीमेन है, आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं और ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं विदा लेता हूँ, जय गौ माता। और इस वीडियो का आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और चैनल को जो पहली बार देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ से विदा लेता हूँ, जय गौ माता, भारत माता की जय।